वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेसियों के सत्याग्रह पर तंज कसते कहा कि वो नाखून कटाकर शहीद होने का काम कर रहे हैं। कांग्रेसियों पर न्यायालय का अपमान का आरोप लगाते उन्होंने कहा कि पिछड़ों को गाली देने का अधिकार मिले इसलिए कांग्रेस के नेता सत्याग्रह पर बैठे हैं। वहीं राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान को लेकर कहा कि उन्हें सावरकर बनने में कई जन्म लग जाएंगे। नीतीश कुमार की चुप्पी पर गिरिराज सिंह ने कहा कि वो खुश हो रहे हैं कि राहुल गांधी के जाने के बाद अब उनका मौका पीएम बनने का आएगा। ये राहुल गांधी किसको लेके सत्याग्रह कर रहे हैं? जो कोर्ट में अहंकार से अपमान भी किया न्यायालय का, और राहुल गांधी से पहले 32 लोगों को इस तरह के केस में उनकी सदस्यता गई है। ये क्यों नाखून कटा करके शहीद होना चाहते हैं? और आज दिल्ली के ये जो कह रहे हैं कि मैं कौन जत्था निकाल रहे हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, लग रहा है जैसे देश के अंग्रेज आ गया है, अंग्रेज से तो जाकर के मिलके देश को गाली दे रहे हैं। और दिल्ली में इस सत्याग्रह में पहले तो सत्याग्रह किस चीज का कर रहे हैं? तो कर रहे हैं पिछड़ों को गाली देने का अधिकार मिले, इसका सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह किसके नेतृत्व में कर रहे हैं? जो दिल्ली में सिखों की हत्या की, उस नरसंहार में जो सबसे बड़ा योगदान रहा था जगदीश टाइटलर का, उसके साथ कर रहे हैं। ये कांग्रेस किसकी सहानुभूति लेना चाहते हैं? क्या अति पिछड़ों को गाली देने के लिए उनका सहानुभूति लेंगे या सिखों का सहानुभूति लेंगे? ये नाखून कटा करके शहीद होना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। भाई अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारेंगे, ये तो खुश हो रहे हैं। ये तो नीतीश कुमार जी को खुशी हो रही कि अब मेरा मौका आ जाएगा। यहाँ तो हर लोग देख रहा है कि मेरा मौका कब आएगा, और वही सब इकट्ठे हो रहे हैं। ये राहुल गांधी किसको लेके सत्याग्रह कर रहे हैं? जो कोर्ट में अहंकार से अपमान भी किया न्यायालय का, और राहुल गांधी किसको लेके सत्याग्रह कर रहे हैं? जो कोर्ट में अहंकार से अपमान भी किया न्यायालय का, और राहुल गांधी